चंडीगढ़ से खबर है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे और आपको बता दें कि कैबिनेट में HAPWB को मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा में धर्म गुरुओं की न्यूनतम आय तय होगी और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगनी है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हरियाणा से। हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। तो हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम मायने हैं इस बैठक के। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, HAPWB को मंजूरी दी जाएगी। तो कैबिनेट की अहम बैठक आज देखने को मिलेगी। कैबिनेट में HAPWB को मंजूरी दी जाएगी और धर्म गुरुओं की अब जो न्यूनतम आय है वो भी तय होगी। हरियाणा में धर्म गुरुओं की न्यूनतम आय तय की जाएगी और साथ ही साथ कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं, लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शिखा, काफी महत्वपूर्ण बैठक, क्या मायने इस बैठक के? इस बैठक में उठा देंगे। सबसे पहले जितने भी हरियाणा के पुजारी हैं और पेशेवर हैं उनकी जो एक आय है वो नियुक्त की जाएगी। पहले तो पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि इस समय उनकी इनकम जो है वो क्या चल रही है, किस तरह से उनका पालन जो है वो हो रहा है। उसके बाद उसका ब्यौरा लेने के बाद उस बैठक में उस पर मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद साथ ही साथ जिसके दो गाँव है उचाना, उसको तहसील से निकालकर नरवाना में शामिल किया जाएगा। यानी एक गाँव व दूसरे गाँव में जो है नरवाना शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद साथ साथ जिस तरह से अब चुनाव भी आ रहे हैं तो इस समय क्या स्थिति जो है वो सरकार की जनता के बीच में चल रही है, वो कौन कौन से मुद्दे जो है जो जनता चाहती है कि उनके ऊपर काम किया जाए, उनकी उनके बारे में बातचीत जो है वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक महीने में दूसरी बार ऐसी कैबिनेट मीटिंग जो है वो हो रही है। लगातार CM जो है वो जनता की प्रक्रिया का ब्यौरा जो है वो अपने नेताओं से मंत्रिमंडल से ले रहे हैं कि जनता जो है उस समय किसी बात लेकर नाराज है तो वो कौन सी बातें हैं। और जिस तरह से CM के द्वारा मंत्री को ऑर्डर दिए गए थे कि हर हफ्ते जनता के बीच में जरूर जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में बातचीत की जाएगी।